करो पापा, कितने ज्यादा पैसे जीते हैं। इधर छोड़ दे, छोड़ दे यार, बड़ी मुश्किलों से मैंने ढेरी लगाई है अपने जीते हुए पैसों की। चेक करो अम्मा, कितने पैसे जीत के लाया हूँ। अल्लाह तुझे और दे। रख दो रख दो रख दो, सारे रख दो ऐसे करके। ये जिप वाली साइड पर बड़े बड़े नोट रख दो ना। दादी आधा किलो दही कर दे। थैंक यू सो मच। आज मौसम जी बहुत जबरदस्त है, बारिश बुरिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए प्रातोड़ा पैदल ही घर से निकल आया दही लेने के लिए। अभी रास्ते से गुजर रहा था तो तंदूर नजर आ गया, और तंदूर को देखने के बाद मेरा दिल कर पड़ा कि क्यों ना आज शहरी में कुलचा शुलचा खाया जाए। थैंक यू उस्ताद जी, थैंक यू सो मच। और दरवाजा खोल दो। यार दरवाजा क्यों नहीं जल्दी खोलते? ये क्या नंगे पांव क्यों घूम रही हो? तो ये वाला जूता मिला जो स्लिप बहुत था, तो मैंने कहा दंत पन्ने की वजह से मैं कहीं गिर ना जाऊं। क्या बोला तुम? सॉरी मेरी लाइन खराब हो गई, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि कहीं मैं इस चप्पल से गिर ना जाऊं, मेरे दंत पन जाएंगे यू नो, तो इस वजह से मैं नंगे पांव आऊंगी। ओके ओके ओके। मजा आया। 6.5 hours later. उठते ही जी सबसे पहले मेरा दिल होता है कि मैं रेडी शेडी हो जाऊं, बिकॉज जब मैं रेडी शेडी हो जाता हूं तब मेरा दिल करता है या तो मैं बाहर निकल जाऊं या फिर जो काम काज मेरे करने के लायक है वो कर कुर लूं। अगर रेडी ना हूं ना, मतलब ट्राउजर शर्ट जिसमें मैं सोता हूं उसी में मैं सारा दिन घूमता फिरता जाऊं, तो यकीन करो ये भी एक दिमाग का लॉजिक है कि सारा दिन ना बंदे की सुस्ती ही नहीं जाती। रेडी शेडी होने के बाद मैं आ चुका हूं अपार्टमेंट, बिकॉज अपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया, और दूसरा कमल लोग भी यहां पर ही है क्योंकि उनका कोई पॉडकास्ट वगैरह का सीन था। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। वो उधर किधर है? जैद तो चला गया। चला गया? किधर चला गया? अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या? अबे खड़ा होके यार, यूके के बाद हम मिल रहे हैं हम लोग, हैं? ठीक ठाक, तू सुना मेरी जान। ठीक ठाक, जबरदस्त। जाली भाई कैसे? आ गए इस्लामाबाद से? कब आया? जाना कब है फिर? अभी जा रहा है। नहीं अभी नहीं जा रहा, अब तो पैसे लेके ही जाऊंगा। पैसे कहाँ से पैसे लेकर जाओगे? बस भाई, तो तुमने कौन सा उधार दे दिया? किसको दिया इसने उधार? उधार दिया नहीं है भाई, हमें गिफ्ट मिला है। कौन से गिफ्ट मिला है यार? इसको नहीं जानते तुम? ओ यार तेरी तो खत्म ही होनी। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? बोली जा रहा है यार, इसको नहीं जानते। ये देखो भाई ने गिफ्ट दिया। क्या है यार इसके अंदर? भाई किसके हैं ये? उन लोगों के लिए क्या मतलब है? ये आप लोगों के लिए नहीं, मैं पहले बता हमारे लिए। किसके लिए? वो तो आजकल वीडियोस भी कर रहा है ना, गाड़ी लेकर जाता है और कहता है कि अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ, अगर उसने फॉलो किया हुआ तो फिर पैसे देता है ना, तो ये उन्हीं के लिए लेकर घूम रहा है। हाँ ये मैं उनके लिए पैसे लेकर घूम रहा हूँ। ये उनको गिवे करना। ओह माय गॉड, चेक कर, चेक कर, चेक करो भाई, पैसे ही पैसा, चेक कर। नहीं नहीं नहीं, फैमिली के लिए नहीं है। देखो यार ये हमारे लिए नहीं है, तुम ना दिखाओ, तुम ना दिखाओ, हमारे लिए है ही नहीं वो। खैर नहीं यार ऐसे मैं फैमिली मेंबर नहीं हूं, सॉरी। ओके चलो एक मिनट यार, उसको चाय पानी। हाँ चाय पानी कोई पिएगा पहले? पर चाय पानी नहीं, रोजा रोजा है। हाँ, मैंने यही पता करवाना, रोजा है कि नहीं? अगर ये कह रहे थे हाँ मंगवा लो, फिर समझ लो कि रोजा नहीं था इसका। सीन ये है, अगर आप लोगों को गिवे चाहिए ठीक है, आपने टिकटॉक पे मुझे फॉलो किया पहले से, क्यों मुझे पता ठीक है, हम जब यूके में मिले थे राइट, लेकिन आप लोगों ने मुझे सीन इंस्टाग्राम नहीं नहीं अभी नहीं फॉलो किया यार, ऐसे नहीं करो ये नहीं, पहले फॉलो यार, जिसने पहले फॉलो किया वो ऐड होगा। ये फॉलो है? नहीं फॉलो है, पहले का है, पहले का फॉलो है ठीक है। हाँ, इसके ओए इसके मोबाइल का ख्याल रखना। उन्होंने फॉलो कर लिया, उनके भी हम करेंगे, फॉलो किया पहले तो नहीं था फॉलो किया। जुल्कर आप बताओ, आपने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भी किया कि नहीं किया? मतलब तू कह रहा है वो शामिल होगा जिसने यूट्यूब? यार कमल नहीं करो यार, यार इसका फोन छीनो, ऐसे नहीं भाई, ऐसे बेईमानी हो जाएगी। बेईमानी, जिसने यूट्यूब इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर तुझे फॉलो किया है उसको तू इनाम देगा। ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। अभी नहीं दिखाना, अभी नहीं, अभी पहले उस जानने दो कि वो इनाम में क्या देगा। एक तो ये पैसे हो गए, कितनी देती हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का मतलब 10, इसमें तो ये 50 है टोटल, 10-10 वाली और पैसे भी है। नहीं नहीं भाई, अगर हम लोगों ने फॉलो किया हुआ होगा हर जगह तो तुमने सारे पैसे जितने भी तुम्हारे पास इस वक्त है, मुझे प्लानिंग लग रही है, कोई प्लानिंग कोई प्लानिंग? जितने कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले पैसे। ओह माय गॉड, ये भी मिलेंगे? वन सेकंड, एक मिनट।
ये होल्ड करना प्लीज, ये भी मिलेंगे। हाँ जी वो जल्दी जल्दी इतने पैसे क्या कर भाई, ये सारे मिलेंगे फिर। हाँ। ठीक है ना, मेरे YouTube पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर, मेरे TikTok पे 17 मिलियन फॉलोअर्स, मेरे Instagram पे 8 मिलियन फॉलोअर्स, तुम्हारे YouTube पे तो कम है ना, YouTube पे तो कम है ना, YouTube पे कम है ना, फिर भी YouTube पे तो मेरे ज्यादा है ना, बहुत आगे फॉलोअर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए ऐसे आगे, लेकिन YouTube पे तो कम है ना यार, YouTube पे तो ज्यादा है, इसलिए देख बड़े अकाउंट फॉलो करेंगे ना जर को, तो उनको फिर इनाम भी बड़ा मिलना चाहिए भाई। एक बात है, इनाम उतना रखो जो अभी हम बात गिवे भी कर सके। क्यों, मैंने नहीं गिव अवे करना, मैं जीत गया तो वो मेरा है, मैं जीत गया वो मेरा है भाई, तू अपने नए नोट लेकर आना। हाँ चलो ठीक है, बस ठीक है, पहले आप दिखाओ, चल तू जल्दी पहले दिखा, तूने खाका फॉलो किया, दिखाओ पहले इसको, इसको तो हम आउट करें, दिखे सही है, मुझे पहले से फॉलो किया सिर्फ उन्हीं को मिलना, अभी फॉलो कर, अभी फॉलो कर रहे हो, बस तू निकल गया भाई, भाई आप ऐड हो भाई, है भाई नहीं करता यूज, नहीं भाई नहीं करता, भाई यूज ही नहीं करता भाई, सोशल मीडिया से दूर है भाई, अभी मरीज से आएंगे। अच्छा अब कमल तुम दिखाओ यार, ये उधर से फॉलो करके आई है, यार इसने अभी किया है यार, इसको बाहर करो, तुम अभी फॉलो करके आई हो ना, मैं अभी डालती हूँ वीडियो के, इसको अनफॉलो, हां अब मेरा यार मेरा होगा, ये देखो तुम्हें तो स्पेलिंग नहीं आते इसके, आते हैं बताओ क्या स्पेलिंग है मेरे, GARAQ आते हैं भाई, आते हैं, मैंने इसपे ही फॉलो किया हुआ है, ठीक है यार, तो कमल जी इतनी ये लो, हां ठीक है, दरक आ गया TikTok, ये इंस्टा पे अभी किया इसने, मुझे नहीं किया अभी, क्योंकि इसने नहीं किया हुआ था, मैंने किया हुआ था, जिसके ऊपर दस आ गया फिर वो जीत गया, मेरा तो चेक कर यार, मेरा चेक कर, ये YouTube आ गया सब्सक्राइब, ठीक है इसके बाद चले जाओ इंस्टा पे, ये निकलेगा जरक, ये देख जरक व्लॉग, ये फॉलो, ठीक है अब आ जा TikTok पे, फॉलोइंग के अंदर ही है भाई तू, ये देखो ये देख जरक, ये देखो अभी किया, अभी नहीं किया, पहले का किया हुआ है, मतलब जिसके ऊपर दस आ गया, दस नहीं यार, हेड टेल के साथ में गिरते हैं, हेड टेल कौन हो तुम, हेड के टेल, हेड ओ यार मुन्ने भी तो बीच में, नहीं नहीं तू नहीं है भाई, हेड टेल क्या होता है, तो हमारा स्पॉन्सर है, नहीं ये वो गाएगा, हेड टेल क्या है मैं बताता हूं, नहीं हेड क्या है, तुमने दो रखने हैं या एक रखना, ओए होए मैं उसके पास हो गई, जो पहले फूक गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस ये हो गए, एक ये यार, ये दर्क ये अपनी घड़ियां पास निकाल, ये मुझे चाहिए, बाकी पैसे मेरे पैक कर दे, मैं बाद में सुकून से गिनूंगा यार, कुछ तो छोड़ दो लोगों के लिए यार, यार लोगों के लिए छोड़ूं, ये ले यार लोगों के लिए, ये ये नहीं चाहिए, मेरा नाम डबल हो गया, चल ले ले दो ले ले, दो ले ले, दो ले ले, ओके दो ले लेते हैं, दो ले ले, हजार वाली नहीं ले, ओए हजार वाली नहीं ले भाई, ये मेरे पैसे हैं, एक और दो है, नहीं नहीं ये मुझे छोटे वाली, मेरा मुन्नू भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, मैं यार अपने ही घर जाने हैं, चल तू दो ले ले, दो ले ले गिव अवे के लिए लोगों, बाकी मेरे हैं, पुगो दोबारा, पुगो नहीं तू अपन ही दो ले, हम लोग जीत गए हैं, अच्छा जीत गए, ले ले यार ले ले, और एक ये दे दो, चलो ठीक, और घड़ियां मेरी वापस, चलो घड़ियां, बाकी सारे पैसे अपने पैक करो, पैक करो घर लेकर चले, पैक करो, नहीं देने मैंने, तुम मुझे पैसे नहीं देते घर
चलो मैं घर जाकर खुद ही इसे छीन लूंगा, बाकी अपने बैग शैग मैं पैक कर लेता हूँ। जर्क ओ भाई मेरा बैग है इधर दो, दे भाई दे, ये भी हमारा है। थैंक यू सो मच यार जर्क, आज बहुत बड़ा इनाम तूने मुझे जितना नहीं मेरा गले मिलने का दिल नहीं कर रहा है। हमारे पास आए लूट लिया मैंने, लूट लिया। ठीक है भाई आखिरी दफा देख ले इनको फिर मैं इनको रखता हूँ। बैग खाली बैग मिल, हाँ खाली बैग मिल जाएगा। इधर छोड़ दे, छोड़ दे यार, बड़ी मुश्किलों से मैंने ढेरी लगाई है अपने जीते हुए पैसों की। चेक करो अम्मा कितने पैसे चीत के लाया हूँ। अल्लाह तुझे और दे। आमीन आमीन। चेक करो मैंने जी ढेरी लगा दी है पैसों की। ओए वो तेरे पास 1000 वाली थी, वो दे मुझे। कहां से दे, हाँ दे चल। आपने मुझे 10,000 मैं दूंगा ना, लेकिन अभी मेरी ये मेरे हैं, ये मैं जीती हूँ, तुम नहीं जीते, वो दो मुझे। इससे आप फोन करके पूछ लीजिए यार, तुम 10,000 लो ना, 1,00,000 रुपया ले रहे हो पूरा। ये मैं जीती हूँ, भाई ने मुझे ये दिया। अच्छा दिखाओ तो, एक मिनट इधर तो रखने दो यार, चेक करो इकट्ठा 1,00,000 रुपया ले गई है। पापा कितने ज्यादा पैसे जीते हैं, लूट के लाया किसी से? लूट के नहीं लाया, जीत के लाया हूँ। एक गिव अवे जीता हूँ मैं अपने दोस्त से। उसने कहा अगर तुमने मुझे सारे अकाउंट्स पे यूट्यूब टिकटॉक इंस्टाग्राम पर फॉलो किया होगा तो सारे पैसे तेरे। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैंने उसको फॉलो किया हुआ था क्योंकि वो मेरा दोस्त था, तो ऑब्वियस है बंदा दोस्तों को फॉलो करता ही है। चलो जी अब इन सारे पैसों को उठा कर रख दो सेफ में, मैं लोकर में रख के आऊंगी। बैंक लॉकर तेरी मेहरबानी। हाँ ये भी ठीक है, चलो उठाओ फिर इनको दोबारा से बैग में डालते हैं। बल्कि बैग में नहीं, ये बैग तो मैंने जर को वापस करना है, तो अपने वाला कोई बैग लेकर आओ। इसी में डाल दूं? हाँ। रख दो रख दो रख दो, सारे रख दो ऐसे करके। ये जिप वाली साइड पर बड़े बड़े नोट रख दो ना, बाकी ये 10-10 वाले इस साइड पर। हाँ बैंक में ही जा रहे हैं, बैंक में ही जा रहे हैं अपन, ये क्योंकि घर में रखने वाली चीज नहीं है। ऐसे ही 3,25,00,000 रुपया है ये, जो कि हम लोगों ने पैक कर लिया है। और मुझे लगता है कि बैंक वालों ने ना हमें कहना है कि जनाब ये नए नोट हमें देकर ना आप हमसे पुराने नोट ले लो, लेकिन हम लोगों ने कहना है नहीं, अच्छा नहीं, हमें नहीं चाहिए। नए नोट मिलते नहीं है, पुराने तो हर जगह से मिल जाते हैं। चलो बैंक ही चलते हैं, बैंक के साथ भी निकलते भी है ना, खाला की तरफ भी चलना है ना, तारी के लिए तो अभी निकले, अभी सोने। चलो ठीक है फिर बैंक से होकर उधर चलते हैं, ठीक है चलो सही है। ये मुझे दे दो ना, ये वाला बैग मुझे दे दो। वो एजल कह रही है मुझे दे दो, एजल को पकड़ा दो भाई, पहले एजल को पकड़ा दो। A few minutes later, बैग को जी बैंक वालों ने पूरी तरह से खाली कर दिया है, अब जाने लगे हैं हम अफ्तारी के लिए। चलो 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 चलो, आए बेटी कैसी हो? ओए वो चेक करो यार, गंदी मंदी चीजें मुंह में डाल रही है ये। बैठ जा यार जल्दी, लेट हो रहे हैं। देवी को भी रास्ते से पिक किया है, बिकॉज इस भाई साहब ने भी हमारे साथ अफ्तारी करने के लिए जाना है। हम लोग खैर से जी पहुंच चुके हैं और अफ्तारी का टाइम भी हो गया है। भाई जी बहुत ही हैवी किस्म के ओले पड़ रहे हैं, पीछे 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 हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बारिश अंदर आ रही है। चेक करो यार बर्फ के टुकड़े, हाय 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 क्या बात है, आज तो अल्लाह ने बर्फबारी कर दी है। उठ ना इधर ही पड़ी है गाड़ी की चाबी यार, गाड़ी मुझे जल्दी जल्दी से अंदर करने दे क्योंकि निशान पड़ जाएंगे गाड़ी के ऊपर, ओले बहुत हैवी किस्म के पड़ने शुरू हो चुके हैं। ये पड़ी है यार चाबी, गेट खोल मैं गाड़ी अंदर करूँ जल्दी जल्दी से, बारिश से बचकर जाता हूँ और गाड़ी में बैठता हूँ। पीछे पीछे हो जाओ बच्चों, अंदर नहीं होगी गाड़ी, ये मारी पहले लगी है, ये इसके साथ लग जाती है तो फिर क्या करूँ, चेक करता हूँ कि ओले अभी बंद हुए हैं कि नहीं। ट्राई कर लो ट्राई, यार रहने दो ओले बंद हो गए हैं, बस रहने दो, दरवाजा बंद कर दे, बंद कर दे दरवाजा, ये इधर रख दे तौलिया यार, पिला हो जा भीग के आ गया हूँ क्योंकि ओले तो बंद हो चुके हैं। यार ये जब भी हल्की फुल्की सी बर्फबारी होती है ना इनके चक्करों में गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। एक दफा ऐसे मेरी जो सबसे पहली गाड़ी थी ना सुजुकी स्विफ्ट, उसके साथ हो चुका है ऐसे, मतलब गुजरात में मैंने गैराज में खड़ी की हुई थी और इतने हैवी किस्म के ओले बरसे ना कि गाड़ी की सारी बॉडी का सत्यानाश हो गया था, इतने इतने निशान पड़ गए थे। इसलिए मैं तब से लेकर अब तक एहतियात करता हूँ कि कभी भी गाड़ी खासकर जब ओले पड़ रहे हो ना बाहर नहीं खड़ी होनी चाहिए। ओए ये बैग की दशा लेकर आयो, ईद मिली है, हाँ किसने दी है? आप ही ने, कमल की खाला जो के एदल की नानो लगती है उन्होंने दी है, उन्होंने घड़ी भी दी है, घड़ी का ऊपर। ये किसने तोड़ा है? टूटा नहीं उतर जाता है, खुद ही उतर जाता है। दो ड्रेस दी है, दो जूते दी है, दो हेयर बैंड दी है, चूड़ियां दी है और बैग दी है। वाह ये
सेजल को तो बड़ी चीजें मिल गई हैं भाई ईद के लिए। A few minutes later. भाई रा, तू मेरे साथ स्नूकर खेलने आया था हैं? और इधर गाड़ी में बैठा है। चला भाई, मैं कंटेंट भेज रहा हूँ तुझे। किसको? कंटेंट। मुझे? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। चला जा भाई, आजा आजा, स्नूकर खेल कर मैं तो हो चुका हूँ फ्री जी। तारीफ वगैरह करने के बाद मैं और हमारे जेबी भाई हम दोनों निकल आए थे इब्राहिम साहब से मिलने के लिए, बिकॉज इब्राहिम साहब आज गुजरात से लाहौर तशरीफ लाए हैं और उसने मुझे कहा कि मैं अपने एक दोस्त की ऑफिस में हूँ तो उधर ही आ जाओ। ओए ये क्या कर रहा है? अबे ये ऑफिस है, तेरी जिम नहीं है। तो इस पागल आदमी के पास आए तो इसने कहा चलो आओ स्नूकर खेलने चलते हैं। मैंने कहा चलो जी स्नूकर खेलने चले जाते हैं। तभी जेबी भाई बैठे थे गाड़ी में, बिकॉज इसको स्नूकर खेलना पसंद नहीं है, हमें तो स्नूकर खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। हम लोगों ने स्नूकर वगैरह खेली और अब दोबारा से आकर ऑफिस में बैठ चुके हैं। खंडू डॉन ने जी बहुत ज्यादा जिम कर ली है, अभी फिर कुटाई के साथ साथ खंडू डॉन प्रोटीन शेक पी रहा है। यार कोई गाना नया सुना देना। गाना मैं न्यू लॉन्च कर रहा हूँ अपना और मेरा नाम है अनु खान। अनु खान म्यूजिक कंपोजर जेमी और वीडियो प्रोड्यूसर उस्मान खान के साथ और गाना है यार तुम लोग तो उसको एंट्री नहीं देना क्या जो मेरे हने होंगे मैंने कमेंट करके मैं हंडू डोन कहते ने ना मैं थानू खड़ना नहीं दस दया तुम मेरा अजे प्याना मैं नूब वे वाला नहीं वेखिया मैं जो बोला गुहे चुना ना मैं इन्ना मुंह मार दिना मार बंदर बना दिना। और यार मेरी बात सुनो, सारे सारी माने ठीक है, सारी हक नहीं बातें हैं, लेकिन मेरा जो है ना म्यूजिक कंपोजर है ये जितने गानों की माँ बहन है ना ये मेरे सारे गाने इन्ने खराब नहीं है और जो मैं अरीब आदमी हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। अभी जी खंडू डॉन साहब ने कहा है कि एक जिम की टिप भी मैं देना चाहता हूँ, वो क्या है? हमेशा आप उन्हें जिम करनी है। जब भी आप एक इंग्लिश में ओंट है वंस अ लाइन ऑलवेज अ लाइन सुन लो पहले, हंसना नहीं है ये ना हंसिया मैं मुंह फाड़ देना तुम्हारा। हमेशा आप उन्हें जिम करनी है, पंगा नहीं लेना जिम में। मैंने पंगा लिया छोहा हो गया उन्हें माड़ा मैं कुटिया बड़ा इही से पंगा नहीं लेना। इंसान को अपने नान होना नहीं है होना चाहिए ईमानदान। यार मेरा ईमान ना हो गया क्या है जब जिम आने जाता हूँ ना न्यूज लेने वो भी मुझे आधा क्रांच देता है ये यकीन मानो पता नहीं क्या हो गया यार मौसम को एकदम से दिसंबर वाली हवाएं चल रही हैं। मैंने टी शर्ट पहनी हुई है और मुझे टी शर्ट पहन कर अच्छी खासी ठंड लग रही है। ये चेक कर लो तेरे रोंटे खड़े हो गए। कुकु क्या हुआ है? अंदर आजा चल 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 शाबाश। ओए मेरी व्हाइट पैंट है गंदी नहीं करनी मैं बता रहा हूँ, पहले चेक करो कितना ज्यादा गंद डला हुआ है घर के बाहर ना। ये खुदाई का काम शाम चल रहा था, इस खुदाई के काम की वजह से एक तो गंद बहुत ज्यादा था और दूसरा बारिश हो गई है तो गंद मजीद बढ़ गया। चल अंदर चल। नहीं मेरे ऊपर जंप नहीं करना, मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ बस अंदर चल सुकून से। आजा 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 अंदर आजा, मेरे ऊपर जंप नहीं करना बस पेंट मेरी गंदी हो जानी है। आजा 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 आजा। कुकु बेचारे ने अपना रात का खाना नहीं खाया इसलिए अभी उसको रात का खाना भी सर्व करने लगूं। ये ले खा चल शाबाश। कीमा है और कीमे के अंदर ना मैंने आलू बॉईल करके डाले हुए हैं। कीमा चूंकि काफी ज्यादा ऑयली शाइली था होता है तो ये ना मेरे हाथ भी अभी ऑयली हो गए हैं, इनको धो धो लेता हूँ अब ठीक है। अच्छा ये फ्रिज का और मेरा ऐसा रिलेशन है कि मुझे भूख ना भी लगी हो ना तो मैं फ्रिज खोलकर एक दफा चेक जरूर कर लेता हूँ कि कोई चीज मेरी पसंदीदा पड़ी है, अगर तो पड़ी हो तो फिर खा लेता हूँ, अगर फिर ना पड़ी हो तो वैसे भी हमें भूख तो है ही नहीं जनाब। ओह
गले में ना थोड़ी थोड़ी खराश ही हो रही थी क्योंकि आजकल ठंडा पानी इफ्तारी में पिया जा रहा है ना, और ठंडे पानी के साथ साथ ऑयली चीज़ें भी दबा शबा कर खाई छाई जा रही हैं, तो उसकी वजह से गला शला मेरा मजीद ख़राब होता है। इससे पहले ही मैंने पकड़ लिया क्योंकि मेरा एक ना मोस्ट फेवरेट माउथ वॉश है जो कि मैं हर वक्त अपने वॉशरूम में रखता हूँ ताकि जब भी मेरे गले में खराश खरूश आने लगे या ख़राब होना शुरू हो तभी मैं गरारे शरारे कर लूँ और तभी जो गले की बीमारी है ना उसको पकड़ कर बाहर निकालता हूँ। खैर अपने भाई को दें अब आज के ब्लॉग से इजाज़त, हमेशा मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें यार, क्योंकि वैसे तो मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा खास डिमांडें नहीं करता, तो मेरी डिमांड यही है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और दूसरा दुआओं में खास तौर पर याद ज़रूर रखा करो, ठीक है ना। अब अपने भाई को दें इजाज़त, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।